तो हेलो गाइस, अगर बजट रेंज में 4K टीवी बाय करनी हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर शाओमी, रियलमी, मोटोरोला, वीयू जैसे कई सारे ऑप्शंस हमें अवेलेबल मिल जाएंगे। बजट रेंज में एक नाम और भी आता है, वो है नोकिया का। तो लोग अक्सर ये बात भी करते हैं कि फ्लिपकार्ट सिर्फ नोकिया का नाम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे दामों पर बेच रहा है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन अक्टूबर 2020 में मैंने नोकिया का एक टीवी खरीदा जो कि ओनकियो साउंडबार के साथ आता है। तो लगभग 7 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे कौन सा इशू फेस करने को मिला, या आपको ये टीवी खरीदना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो 15 अक्टूबर को इस टीवी को मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से, वो भी 27,837 रुपीज़ में, और ये मुझे 18 अक्टूबर को डिलीवर हो चुका था। और इसी के साथ मैंने एक कम्प्लीट प्रोटेक्शन प्लान भी खरीदा था जो मुझे मिला था 2111 की प्राइस में। तो चलिए बात करते हैं इस टीवी के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में यहाँ पर हमें VA पैनल देखने के लिए मिलता है। VA पैनल जो है IPS से थोड़ा सस्ता ही रहता है, लेकिन फिर भी 30,000 की रेंज में नोकिया एक बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे पाता है। VA पैनल होने की वजह से एक एडवांटेज ये रहता है कि VA पैनल में ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है जो कि व्यूइंग एंगल IPS के मुकाबले अच्छे नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर मैंने इसी के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी देखे थे कि यहाँ पर व्यूइंग एंगल उनको अच्छा नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने जब खुद से चेक किया तो मुझे व्यूइंग एंगल इतना भी ख़राब नहीं लगा जो कि आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूँ अभी। और डिस्प्ले के लिए इस टीवी को मैं देना चाहूँगा 10 में से 8 नंबर। तो अगली बात करते हैं इस टीवी के साउंड के बारे में। साउंड ही एक ऐसी चीज़ है जो इस टीवी को बहुत ही स्पेशल बनाती है। तो ये टीवी 39 वाट के साउंड पावर के साथ आती है जो कि ओनकियो की तरफ से आते हैं। और इस रेंज के बाकी टीवीज़ की बात करें तो हमें सिर्फ 25 वाट का साउंड ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर 25 वाट के साउंड के साथ साथ हमें 15 वाट का ट्विटर भी अलग से देखने के लिए मिल जाता है जो कि इस रेंज में बाकी टीवीज़ तो नहीं दे पाती। नोकिया ने 2019 में जो मॉडल निकाला था वो JBL साउंड के साथ था, और मुझे लगता है कि JBL के साउंड बार के साथ ही ये टीवी अगर आती तो इनकी सेल्स थोड़ी ज़्यादा ही रहती। और इसका साउंड जैसे मैंने टेस्ट किया तो 10% पे भी ये बहुत ही लाउड ऑडियो दे पाती है। और साउंड के लिए इस टीवी को मैं 10 में से देना चाहूँगा 9 नंबर। और यहाँ पर मुझे एक पर्सनली इशू फेस करने को मिला है साउंड के बारे में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ कि अगर मुझे वॉल्यूम करना है 6 से 7 तक, तो 6 से 7 तक वॉल्यूम जो है एक सर्टन लेवल में बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 पे बहुत ही लो साउंड रहता है और 7 पे कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है। लेकिन मुझे ये जो इशू है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही इशू लगा है, और आशा है कि नोकिया इसे नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर देगी। तो बात करते हैं इस टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर इस टीवी को बहुत ही नेगेटिव रेटिंग्स मिली है। तो नोकिया टीवी आती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई के साथ। यहाँ पर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए था, और 5 गीगाहर्ट्ज़ अगर होता तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। और यहाँ पर वाईफाई की एक और दिक्कत है कि वाईफाई बार बार डिसकनेक्ट हो जाता है। ये मेरे साथ भी कभी कभी हुआ है बीच बीच में, हर बार तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स में तो यही दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का वाईफाई जो है वो डिसकनेक्ट हो रहा है। और कनेक्टिविटी में 2-वे ब्लूटूथ जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आप अपने टीवी से किसी ब्लूटूथ होम थिएटर पर सॉन्ग प्ले कर सकते हो, या अपने मोबाइल से डायरेक्टली टीवी के साउंड पर ऑडियो प्ले कर सकते हो। कनेक्टिविटी में स्क्रीनकास्ट करते वक्त यूट्यूब से डायरेक्टली टीवी पर कास्ट करने में मुझे तो कोई इशू नहीं आया, लेकिन हाँ, जब फास्ट कास्ट यूज़ करके जब मैं स्क्रीन मिररिंग या स्क्रीनकास्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर बहुत ही दिक्कत आती है। कभी कभी टीवी का नाम भी शो नहीं करता, कभी कभी टीवी पर कनेक्ट करने पर भी फास्ट कास्ट ठीक से वर्क नहीं करता। और कनेक्टिविटी के मामले में मैं सिर्फ नोकिया का नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप बाकी टीवीज़ के भी रिव्यू चेक करेंगे तो वहाँ पर कनेक्टिविटी में आपको बहुत ही लो स्टार मिलेंगे। और इसी के साथ कनेक्टिविटी के लिए मैं इस टीवी को देना चाहूँगा 10 में से
6 मार्क्स। तो बात करते हैं इस टीवी के सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये टीवी आती है एंड्रॉयड 9 के साथ, जहाँ पर आपको 2 GB की रैम और 16 GB का रोम देखने के लिए मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इस टीवी में बहुत सारे इश्यूज है और सॉफ्टवेयर के मुझे भी बहुत इशू फेस करने के मिले हैं। इसी के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला जो इशू था वो था अमेजॉन प्राइम साइन इन इशू। जब मैंने टीवी स्टार्ट करी थी तब अमेजॉन साइन इन तो नहीं हो रहा था, तो इसी के बारे में मैंने जीविस को कंप्लेंट भी किया था। तो जीविस ने एक सॉल्यूशन भेजा था कि टीवी को एक बार आपको रिसेट करना पड़ेगा, और रिसेट करने के बाद अमेजॉन प्राइम साइनिंग की इशू तो ख़त्म हो गई। बाद में मुझे कभी ये इशू तो आया नहीं, लेकिन इस इशू की वजह से नोकिया टीवी को बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ मिले। अगर हम दूसरे कौन सी भी टीवी ऑन करें तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एंड्रॉयड का होम पेज दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ टीवी चैनल्स के एनालॉग सेटिंग्स वगैरह का होम पेज दिखने लगता है, जिसको कि आपको बैक करने के बाद ही आप होम पेज पर जा सकते हो। और इसमें एक और इशू देखने के लिए मिलता है जो कि गूगल असिस्टेंट का। अगर टीवी आप स्टार्ट करते हो तो गूगल असिस्टेंट नॉट अवेलेबल ऐसे ही आपको दिखाई देगा, मतलब कम से कम 4 या 5 बार ट्राई करने के बाद आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। और टीवी चालू रहते हुए भी कभी कभी ये गूगल असिस्टेंट इशू दे देता है। और सबसे बड़ा मेजर इशू इस टीवी में है कि इस टीवी का रिस्टार्ट होना। अगर आप दिन भर टीवी देखोगे तो 1 या 2 बार तो टीवी आपकी रिस्टार्ट तो होगी। मुझे तो ये इशू फेस करने के लिए मिला है। अगर आपको भी कुछ इशू फेस करने को मिला होगा इस बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस के लिए मैं इस टीवी को देना चाहूँगा 10 में से 6 मार्क्स। तो ये थे कुछ इशूज़ जिनके बारे में आपको मैंने बताया है। अगर आपको भी कुछ अलग इशू फेस करने के लिए मिल रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ सॉल्यूशन रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और बात करते हैं अभी कि इस टीवी को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो जितने भी इश्यूज मुझे इस टीवी में देखने के लिए मिले वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही थे, और डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी में जो इशू थे उससे मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे लगता है कि नोकिया कुछ अपडेट्स में इस इशू को भी फिक्स कर देगी। और अगर आपको लगता है कि आपका बजट टाइट है तो आप सोनी या सैमसंग में से कुछ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट अंडर 30K में है तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप नोकिया टीवी ले सकते हैं। तो मैंने जैसे वीडियो में पहले ही बताया था कि फ्लिपकार्ट सिर्फ नोकिया का नाम यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, लेकिन फीचर्स और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये टीवी बहुत ही अच्छी लगी है। अगर इसी रेंज में अगर आप कोई दूसरी और टीवी देखे तो इतने फीचर्स आपको नहीं दे पाती। इस टीवी से कंपेरेबल एक ही टीवी है जो कि वीयू की प्रीमियम टीवी, और मैं कभी भी देखता रहता हूँ कि वो टीवी स्टॉक में ही नहीं रहती। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये टीवी बाय कर सकते हो। नोकिया टीवी और एंड्रॉयड टीवी के बारे में और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी हो टीवी के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।